हमारा देश आज तरक्की की ओर अग्रसर है और दुनिया भर के तमाम देशों को अपना जलवा दिखा रहा है, लेकिन विडंबना की बात तो ये है कि देश में अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे। आज देश के किसी भी राज्य में महिलाएं और लड़कियां सुरक्षित नहीं दिखाई पड़ रही हैं, और इसी कड़ी में एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आया है, जहां गोरखपुर से कोर्ट में गवाही देने आई लड़की के साथ गैंगरेप जैसी घिनौनी घटना को अंजाम दिया गया। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। नमस्कार, मैं शिवम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लड़की के साथ गैंग रेप का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल अपने साथ हुए गैंग रेप के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवाही देने आई महिला ने पहले से दुष्कर्म के मामले के आरोपी के भाई पर गैंग रेप का केस दर्ज कराया है। युवती ने शिकायत पत्र में आरोप लगाया है कि जब वह गवाही देने आई तो सिविल लाइन के एक होटल में ठहरी थी। खाने में नींद की दवा देकर उसके साथ गैंग रेप किया गया। युवती ने आरोप लगाया है कि गैंग रेप के साथ उसकी आपत्तिजनक वीडियो बना ली गई, जिसे बाद में वायरल करने की धमकी दी गई। आरोपी ने हाई कोर्ट में मनमाफिक गवाही भी दिलवा दी। युवती ने सिविल लाइन थाने पहुंचकर केस दर्ज कराया है। आपको बता दें, पीड़िता लड़की गोरखपुर की रहने वाली बताई जा रही है। उसने सिविल लाइन थाने में दी शिकायत में कहा है कि तकरीबन एक महीने पहले जब वह मुकदमे के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में गवाही देने आई थी, गोरखपुर के धर्मशाला निवासी ब्रजेश कुमार उसे गवाही देने के लिए अपने साथ लेकर आया था। वहाँ सिविल लाइन्स के एक होटल में वह रुके थे, जहाँ दोनों ने एक साथ खाना खाया, जिसके बाद लड़की को कुछ भी याद नहीं रहा। खाने में नींद की गोलियां मिला दी गई थी, जिसके बाद दो लोगों ने लड़की के साथ गैंग रेप किया और उसकी वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी दी। धमकाकर अपने हिसाब से कोर्ट में गवाही भी दिलवाई गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। गौरतलब है कि इस तरह का मामला बेहद शर्मनाक है और हमारे समाज के कुछ लोगों की घटिया मानसिकता को भी दर्शाता है। इस तरह के मामले पर हमारे शासन और प्रशासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि अपराधियों के मन में कानून का खौफ पैदा हो सके। आपका इस पूरे मामले को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। अन्य सभी बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।